हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि कुत्ता, उसके बाद लिखा है दोस्तों बिल्ली और पालतू पशु, यहाँ पर दिया गया दोस्तों यानी कि तीन हम लोगों का है, कुत्ता बिल्ली उसके बाद हम लोगों का पालतू पशु, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ईद के करा है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, टोटल 17 प्रश्न है दोस्तों जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 201 है दोस्तों, जिसने पार्ट 200 तक अभी तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूके पीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि जिस प्रकार से देखिए राज्य का संबंध लिखा है दोस्तों राज्यपाल, तो उसी प्रकार से देश का संबंध किसे अगर क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और ट्राई करते हुए चले और कॉमेंट करके बताएंगे 17 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोगों का राज्य का यानी कि मुख्य पद क्या होता है दोस्तों, राज्यपाल होता है, उसी प्रकार से देश का जो है मुख्य पद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्र हम लोगों का कहाँ है, हाँ राष्ट्रपति, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों जिस प्रकार राज्य का यानी कि सर्वोच्चतम पद हम लोगों का क्या हो जाता है, राज्यपाल, उसी प्रकार देश का सर्वोच्चतम पद क्या होगा, यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बस तरीका को समझ लेना है, प्रश्न को रटना नहीं है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार राज्य का यानी कि मुख्य पद राज्यपाल है, उसी प्रकार देश का यानी कि मुख्य यानी सर्वोच्च पद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया है दोस्तों, यहां पर जैसे देखिए 42 लिखा है, यहां पर क्वेश्चन मार्क और इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से यही बात आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो आप क्या कीजिए कि इस तरीके के प्रश्न करने के लिए सभी अंकों को क्या कर लीजिए, पहले योग करके देखिए, जैसे 7 और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या 42 आ पाएगा, तो नहीं आ पाएगा, तो जोड़ के देखिए, घटा कर देखिए, गुना करके देखिए, इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग कैसे आखिर यहाँ पर 7 2 3 को इस तरीके से होगा, तो देखिए आपको तरीका बताते हैं, उसने क्या किया दोस्तों यहाँ पर गुना कर दिया, यानी कि 7 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए आप देखते चलिए ध्यान से, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 7 गुना 2 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो गुना जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हो जाएगा हम लोगों का यानी कि जैसे दिया गया है 1 और उसके बाद गुना क्या दोस्तों 8 और गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 9, तो जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इसका करके देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा है कि इसको गुना करके देखिए, तो जैसे इसको गुना करेंगे तो 1 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 9 और गुना 4, तो जैसे ही गुना करेंगे तो हम लोगों का 36 देखिए, तो क्या हम लोगों का पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे ही देखिए अभी यहाँ पर सब अंकों को जैसे गुना कर दिए तो 42 आ गया, उसी प्रकार से यानी कि 7 गुना
2 × 3, उसी प्रकार से 8 × 1 × 9 कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 72 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। उसी प्रकार से देखिए, इस सब अंकों को गुणा कर देंगे, जैसे 9, 1, 4 को, यानी कि सबको जैसे ही गुणा कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए पैटर्न फॉलो कर गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया दोस्तों, सीरीज को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सीरीज को लिख लीजिए, जैसे 6 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 12 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 20 है, और यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, 30 लिखा है, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर क्या आएगा देखिए, यहाँ पर ट्राई कीजिए दोस्तों कि सीरीज हम लोगों का कैसे चल रहा है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही देखेंगे दोस्तों, ये देखिए 6 से यदि हम लोग 12 पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 12 से यदि 20 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 20 से यदि 30 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा। तो अगला हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, देखिए 6, 8, उसके बाद 10, तो अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 12 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 42 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे, बस सीरीज को देखना है कि सीरीज यहां पर कैसे चल रहा है, तो सीरीज बढ़ते हुए चल रहा है, और कैसा सम संख्या, यानी 6, 8, 10, तो अगला क्या होगा दोस्तों, 12। तो जैसे ही 30 में 12 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कहने का मतलब इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या, और क्वेश्चन मार्क, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो वहां पर देखिए ट्राई कर लीजिए दोस्तों, आखिर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। आपको सबसे पहले क्या करना, उसको लिख लेना, जैसे जेड है, उसके बाद हम लोगों के सामने डब्ल्यू है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, टी, और इसका संबंध लिखा हम लोगों का भी, उसके बाद एस, और क्या लिखा है दोस्तों, पी, और यहाँ पर दिया गया है समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है ओ आई, और क्या लिखा हम लोगों का एल, और इस जगह पर क्या लिखा है हम लोगों का क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए यहाँ पर करते हैं, तरीका कैसे करेंगे कि जेड से, यानी शुरू वाला देखिए हम लोगों का इससे इसका शुरू पे आइए, तो क्या करना होगा, जेड से यदि भी पे आ रहे हैं दोस्तों तो ए बी सी डी में सोचना, ए से लेकर जेड तक में आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जेड से भी पे आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, 4 लेटर हम लोगों का घटा दे रहा है, यानी कहने का मतलब क्या, देखिए जेड में 1 लेटर घटेगा तो हम लोगों का वाई, वाई में 1 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स, एक्स में 1 लेटर घटेगा तो डब्ल्यू, डब्ल्यू में 1 लेटर घटेगा तो भी, इस तरीके से घटा रहा है। उसी प्रकार से देखिए डब्ल्यू से दोस्तों हम लोग जाएंगे किस पे, तो एस पे, तो यहाँ भी कितना लेटर, 4 लेटर घटा दिया, लेकिन डब्ल्यू में आप 4 घटे, डब्ल्यू में जैसे 1 लेटर घटेगा, भी, भी में 1 लेटर घटेगा, यू, यू में 1 लेटर घटेगा, टी, टी में 1 लेटर घटेगा, एस, इस तरीके से कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए टी से यदि आप चले आएंगे दोस्तों पी पे, तो यहां भी कितना क्या, उसने 4 लेटर क्या क्या है घटा दिया है। तो उसी प्रकार से आप इसमें 4-4 लेटर सब में घटा दीजिए दोस्तों, यानी ए बी सी डी, ओ में 4 लेटर आप घटाइए, यानी कि पीछे की ओर आएंगे, तो ओ में जैसे ही घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का के हो जाएगा। उसी प्रकार से आई में आप 4 मतलब घटा लीजिए, तो आई में जैसे ही 1 लेटर घटेगा तो एच इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आई में जैसे ही 4 लेटर हम लोग घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए क्या हो जाएगा, तो जैसे कि अच्छा डब्ल्यू से एस, तो ठीक है आई में जैसे ही 4 लेटर हम लोगों का घटेगा दोस्तों, यहाँ पर देखते चलिए ध्यान से आखिर की इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। तो यहां पर तो 4 लेटर जैसे ही घटेगा तो हम लोगों का क्या आना चाहिए दोस्तों, ई आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए दोस्तों, ई आ जाना चाहिए, यहां पर ई आ जाना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए एल में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा ओ, अच्छा 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 अच्छा, यहां पर देखिए हम लोग गलती लिख दिए, इस जगह पर क्या किया दोस्तों, गलती लिख दें, रुके एक सेकंड, यहां पर क्या हुआ है थोड़ा सा, इस जगह पर हम लोगों का मिस्टेक, देखिए ओ आई को इधर करके लिखना था, इसीलिए यहां पर गलती हो रहा था दोस्तों, देखिए इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि यहां पर हम लोगों का क्या किए हैं, थोड़ा सा इधर करके लिख दिए थे, इसीलिए आपका आंसर नहीं मिल रहा था, देखिए अभी जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि ओ, उसके बाद यहां पर एल है और इस जगह पर क्या है दोस्तों आई, हम खाली उल्टा करके लिख दिए थे, अब यहां पर निसंदेह हो जाएगा, आप कर लीजिए, देखिए कि ओ में जैसे ही 4 लेटर घटा देंगे, वही हम सोच रहे थे कैसे हो रहा है कि ओ में जैसे ही 4 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। उसी प्रकार से एल में आप 4 लेटर जैसे ही घटा देंगे दोस्तों कि एल में जैसे ही 4 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, एच होगा। उसी प्रकार से आई में जैसे ही 4 लेटर घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा, आई
ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आई में चार लेटर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो देखिए कहां पर है इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि सब में चार चार लेटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया इस तरीके से, ए बी सी डी यानी जेड से भी पे आए तो चार लेटर घटाए, यानी कि इस तरीके से आप इसमें भी वही कर देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा नंबर काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, और लगभग स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कुत्ता बिल्ली और पालतू पशु, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा यही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर कैसे होगा कि हम लोगों का क्या होगा दोस्तों इस तरीके से, इसका डायग्राम बहुत कंफ्यूजन यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पालतू, और इसको कर लीजिए दोस्तों हम लोगों का क्या, हाँ इस जगह लिख देते हैं पालतू, और क्या दोस्तों हम लोगों का पशु, यानी इसको क्या कर देते हैं दोस्तों पालतू पशु, इस तरीके से इस डायग्राम को यहाँ पर पालतू पशु इस तरीके से बना दिए। अब क्या होगा दोस्तों, कुछ पालतू पशु हम लोगों का क्या हो सकता है, यानी कि कुत्ता हो सकता है, यहाँ पर कुछ पालतू पशु हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा तो कुत्ता के अंतर्गत, तो इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि कुछ पालतू पशु हम लोगों का क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, तो इस जगह पर कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, कुत्ता कर लेंगे, कुछ पालतू पशु हम लोगों का क्या हो सकता है, कुत्ता हो सकता है। उसी प्रकार से कुछ पालतू पशु हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, बिल्ली हो सकता है, तो इधर कर लीजिए, यानी कि कुछ पालतू पशु के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों, बिल्ली आ जाएगा। यानी कि इस तरीके का डायग्राम बनेगा यहाँ पर देखा जाए तो, कौन सा ऑप्शन इस तरीके से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कुत्ता है, बिल्ली है और पालतू पशु है, तो यहाँ पर कुछ पालतू पशु हम लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, और कुछ पालतू पशु क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। आखिर ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, तो एक एक फिगर को आप रख कर देखिए कि उस जगह पर ऐसा कौन सा भर देंगे जो कि हम लोगों का पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, इस तरीके का एक रेखा होगा, तो यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर कौन साइड में हम लोगों का कलर किया हुआ है, तो ई देखिए जैसे कलर हम लोगों का कौन साइड में किया है, तो ई साइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में उसने कलर किया है इस तरीके से, यहाँ पर हो जाएगा और ई साइड में क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से होगा दोस्तों, और यहाँ पर त्रिभुज टाइप में दिया है, इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें तो ई देखिए कैसा कर दिया, ई भी नहीं होगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, वहाँ पर कह रहा है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, आखिर इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर रख देंगे जो कि पूरा फिगर बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहां पर कौन सा आखिर रखेंगे जो कि हम लोगों का बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, रखने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिगर पूरा का पूरा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया सातवां नंबर क्वेश्चन, यहां पर एक तरीके से लिखा है कि विजय कहता है कि आनंद की माता जो है मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, तो आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित, देखिए यानी कि यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों, विजय कहता है कि आनंद की जो माता है मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, तो इस जगह पर कर लीजिए, यानी विजय कहता है कि आनंद की माता है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर बना लेते हैं, यानी कि आनंद इस जगह पर क्या लिख लेते हैं, आनंद यहाँ पर देखते चलिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हम लोगों का, आनंद, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, हाँ तो यहाँ पर जैसे देखिए जैसे इस जगह पर लिख लिया दोस्तों हम लोगों का क्या हो गया, आनंद हो गया, तो कह रहा है आनंद कहता है, विजय कहता है कि आनंद की जो माता है, यानी आनंद की क्या दोस्तों, जो माता है, देखिए आनंद की जो माता है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, आनंद की जो माता है, आनंद की जो माता है, तो वह कह रहा है कि आनंद आनंद की माता जो है मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। अच्छा, मेरी माता की क्या दोस्तों, एकमात्र पुत्री है, तो अच्छा तो यहाँ पर ऐसे करना होगा दोस्तों, रुकिए, यानी कि यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि आनंद कहता है, तो आनंद की माता जो है, आनंद की जो माता है मेरी माता की, अच्छा तो इस जगह पर हो जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग क्या, आनंद कर लेते हैं, इस जगह पर क्या कर लेते हैं, आनंद कर लेते हैं। आनंद कहता है कि मेरी माता जो है, मेरी यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, माता, तो मेरी माता, मेरी माता की जो एकमात्र पुत्री है वो,
बस आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि विजय कहता है कि आनंद की माता, आप कुछ मत कीजिए। यहाँ पर आप निसंदेह लिख लीजिए दोस्तों, इसमें डरना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर आप निसंदेह क्या लिख लेंगे दोस्तों, हम लोगों का आनंद हो जाएगा। तो इस जगह पर आनंद, तो कह रहा है कि आनंद की जो माता है, तो इस जगह पर इसका क्या कर लीजिए दोस्तों, माता कर लीजिए। तो आनंद की जो माता है, आनंद की जो माता है, मेरी माता की, तो मेरी यानी कि कौन दोस्तों, विजय कर रहा है। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का विजय हो जाएगा, यानी कि आनंद कर रहा है। कि साफ साफ लिखा है दोस्तों कि आनंद की जो माता है, मेरी माता का, तो मेरी यहाँ किसके लिए प्रयोग है, विजय के लिए। तो विजय की कर रहा है कि विजय की माता की एकमात्र पुत्री, विजय की यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, माता कर लेंगे। देखते चलिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, इस जगह विजय की क्या कर लेंगे, माता कर लेंगे। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों, विजय की माता की एकमात्र पुत्री है। तो एक क्या हो जाएगा दोस्तों, एकमात्र पुत्री हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों का भाई बहन हो गया। कौन कौन, यानी विजय और आनंद की जो माता है, तो विजय और ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन हो जाएगा। यानी ये पुरुष जेंडर हो गया और माता उसकी महिला जेंडर हो गया। तो कह रहा है कि आनंद जो है विजय से किस प्रकार संबंधित, तो आनंद कहां से पूछा है दोस्तों, विजय से। तो विजय का आनंद कौन लगेगा दोस्तों, भांजा लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, डरना नहीं है। इधर विजय कहता है, तो विजय कह रहा है कि आनंद की जो माता है, तो आनंद की क्या दोस्तों, माता। तो कह रहा है मेरी, तो मेरी यानी कि किसकी, विजय। तो यहां पर मेरी किसके लिए आया दोस्तों, विजय के लिए। यहां पर गौर कीजिएगा कि आनंद की जो माता है, मेरी माता की, तो मेरी कौन कह रहा है, तो विजय की जो माता की एकमात्र पुत्री। तो एकमात्र पुत्री यानी कि आनंद की जो माता है दोस्तों, विजय और दोनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया। तो यहां पर कह रहा है कि आनंद जो है विजय से किस प्रकार संबंधित, तो विजय का आनंद कौन लगेगा दोस्तों, भांजा लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने, आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से तीन किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है। देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या है दोस्तों, कि सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, कहीं वर्ग और हम लोगों को घन तो नजर नहीं आ रहा। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, हम लोगों का भाज्य संख्या। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है दोस्तों, अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या देखना है दोस्तों, अभाज्य संख्या। देखिए मतलब पहले हम लोगों को वर्ग और क्या देखना है दोस्तों, घन देखना। अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना है, अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या देखना है दोस्तों, अभाज्य संख्या। उसी प्रकार से क्या देखना है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर आपको देखना है दोस्तों, हम लोगों का क्या, सम। उसके बाद क्या दोस्तों, हम लोगों का विषम। उसके बाद अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना है दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना है। क्या लगाना है, विभाज्यता का नियम। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर अंक, मतलब पहला रूल, उसके बाद ई दूसरा रूल, उसके बाद ई तीसरा रूल, उसके बाद ई चौथा रूल। इस तरीके से आपको सारा रूल को क्या कर लेना दोस्तों, याद कर लेना। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का सबसे पहले ही पता चल चुका है कि हम लोगों का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये 6 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। बाकी कोई स्क्वायर है क्या, नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना। देखिए यहां पर 36 जो है 6 का स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस ऐसे आप प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पर कोई पहले लगा देते हैं ये होगा वो होगा, बल्कि इस प्रश्न का जो एजेंसियां कंडक्ट कर रहा है बिल्कुल इस प्रश्न आंसर बी को दिया है, और कमेंट भी करता है कि सर इसका तो ए लग रहा है, इसका बी। लेकिन उस तरीका है, कोई नहीं समझते हैं कि पहले हम लोग स्क्वायर और घन देखते हैं, वो नहीं दिखेगा फिर अभाज्य संख्या, अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर सम विषम, अगर वो भी नहीं दिखेगा फिर विभाज्यता का नियम, और वो भी नहीं दिखेगा तो अंकों पर आधारित। तो ऐसे ऐसे करके प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर जो ये फिगर दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। एक बार आप जरूर ट्राई कर लीजिए, ये देखिए आपको बताते हैं वहां पर कौन सा फिगर आएगा। ये देखिए उस यहाँ पर अगर एक बार आप देखेंगे दोस्तों तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि इस प्रश्न का आंसर नहीं कर सकते आप। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ से आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। ये देखिए ये जो रेखा है, ये रेखा जो है दोस्तों अगला वाला आकृति में देखिए, ये यहाँ से कहाँ ले गया दोस्तों, इस पे ले गया। तो अगला वाला, ये देखिए यहाँ से फिर अगला वाला आकृति में कहाँ गया दोस्तों, यहाँ गया। तो अगला वाला जो हम लोग बनाएंगे दोस्तों इस तरीके का आकृति, अगर यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब कैसा आकृति है दोस्तों, इस तरीके का है और इधर से ऐसे करके दिया है, बनाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद हम लोगों का इधर से कर लेते हैं, तो बन गया। अब यहाँ पर देखिए आप करने का प्रयास कि वहां गया तो अगला जो अब की बार जो हम लोगों का रेखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का कहाँ पे जाएगा, यही बात। ईद के तो अगला रेखा जो होगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ से कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा इस तरीके से, और एक रेखा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, और
यहाँ देखिए, तो सबसे पहले ई वाला यानी कि आगे वाला रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, और ये रेखा जो है हम लोगों का कहाँ इस तरीके से होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा इस तरीके से, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, बस आपको तरीका को समझना है। देखिए यहाँ पर एक बार आप अच्छे से देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का देखिए स्टार्टिंग पॉइंट को देखना है कि स्टार्ट यहाँ पर कैसे कैसे क्या है, बस इतना आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, तभी ये देखिए शुरू वाला जैसे हम लोगों के सामने दिया गया, तो यहाँ पर इसको आप देखिए कि शुरू वाला जैसे ई था तो इसको कहाँ कर दिया दोस्तों, अब थोड़ा सा ई एक बीच में चला गया, उसके बाद आगे वाला हम देखेंगे तो ई वाला रेखा को फिर कहाँ किया दोस्तों, यहाँ पर कर दिया, तो आगे वाला में जैसे ही आएंगे दोस्तों तो हम लोगों यहाँ से जो रेखा होगा तो वो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका दो रेखा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, नीचे की तरफ आ जाएगा और ऊपर वाला वहाँ पर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, ना ही ऑप्शन नंबर एक ना ही इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा, बस तरीका को समझ लेना है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन, देखिए एक तरीके से कोडिंग में डिकोडिंग में दिया गया है, यानी कूट भाषा में लिखा है, यदि किसी कूट भाषा में देखिए हम लोगों का पैटर्न को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि एम ई एन टी आई एन को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने कैसे लिखा है इस प्रश्न का आंसर, जैसे हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए पहले एक एक करके बताते हैं, जैसे हम लोगों के सामने पी है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों ए, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है डबल टी, उसके बाद लिखा हम लोगों का ई, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का आर, और क्या लिखा है दोस्तों एन लिखा है, तो उसने क्या किया दोस्तों इसको जो है यानी कि उसको क्या कर दिया कि उसने पीछे से लिख दिया, इधर जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों एन कर देंगे, यानी उसने क्या किया दोस्तों पीछे से ही लिखा है, इधर यहाँ पर जैसे हो जाएगा हम लोगों का एन, उसके बाद आर, उसके बाद ई, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों डबल टी, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों पी, तो देखिए पीछे से यानी कि सारा अंक क्या क्या दोस्तों उसको पहले यहां पर कर दिया, उसके बाद पीछे से उसने सबको लिखा, देखिए इस तरीके से पीछे पीछे क्या क्या दोस्तों सबको लिखते गया, उसी प्रकार से देखिए टी हो जाएगा, बस आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं कि सबको पीछे से क्या कर दिया दोस्तों लिख दिया, तो उसी प्रकार से आपको जो इसका पूछा है इसका पीछे से आप लिख दीजिए, तो जैसे ही देखिए हम लोग यहाँ पे पीछे से लिख देंगे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, बस क्वेश्चन में आप आंसर कर सकते हैं, ज्यादा इसमें मशक्कत नहीं करना, इधर के पीछे से लिखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों टी हो जाएगा, एन ओ आई टी, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एन हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कहाँ मिल रहा है कि एन ओ आई, तो देखिए तो कहाँ मिल रहा है एन ओ आई, उसके बाद हम लोगों का टी एन ओ आई N O, उसके बाद I T, उसके बाद I T के बाद N E M, तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, आप देखिए ना बिल्कुल पीछे से करके लिखा है, कहाँ से लिखा है दोस्तों यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं कि पीछे से करके लिखे हैं, तरीका भी आपको बता दिए कि पीछे से करके लिखा है, तो जैसे ही पीछे से लिखेंगे तो देखिए एन ओ आई, तो एन ओ आई, उसके बाद टी तो टी, उसके बाद N तो N, उसके बाद E M, तो ऑप्शन नंबर C क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 11 नंबर क्वेश्चन, इधर किस तरीके से घुमाने का प्रयास किया, लेकिन डरेंगे नहीं, बस आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कह रहा है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो यानी कि आप पूरा पश्चिम के प्रश्न दिया है, यानी डायरेक्शन वाले तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस साइड में क्या लेना है दोस्तों हम लोगों को पूर्व ले लेना, और इस साइड में क्या लेना हमको पश्चिम ले लेना, इतना बात हमेशा आपको याद रखना है, इस साइड में पूर्व, इस साइड में पश्चिम, और ऊपर में क्या लेना है दोस्तों हम लोगों को उत्तर लेना है, और नीचे हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना है, नीचे में हम लोगों का क्या लेना है दोस्तों इस जगह पर क्या कर लेंगे, नीचे में क्या कर देंगे दोस्तों दक्षिण कर देंगे, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों ये देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग दक्षिण कर देंगे, तो इस तरीके से कर लीजिए दोस्तों हम लोगों का क्या कर देंगे यहाँ पर लिखा ही क्यों नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा, इस प्रकार से कर लीजिए दोस्तों इस जगह पर क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, बस यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, तो इधर यहाँ पर इधर से हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा पूरब, इधर जस्ट अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे अब चल दीजिए, तो इधर अभी आपको बता चुके हैं कि रमेश 3 किलोमीटर कर रहा है, कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो उसको चला दीजिए दोस्तों, यानी कि पश्चिम हम लोगों का किधर होता है दोस्तों इस तरीके से चला दिए, यानी कि यहाँ से चला देते हैं पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला दिए, इतना सा दूरी क्या हुआ पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चल दिया, उसके बाद वो क्या करा बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि पश्चिम की ओर चला था हम लोगों का कहां मुड़ेगा दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है, इस जगह से चलाते हैं, ये देखिए यहां से चलाते हैं, हाँ 3 किलोमीटर चला है दोस्तों, यानी कि
देखिए यहाँ तक हम लोग ले लिए दोस्तों, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, उसके बाद हम लोगों का बाई ओर, तो पश्चिम की ओर मुंह किए तो दायां ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां, तो बाई ओर मुड़ा और कितना चला है हम लोगों का 2 किलोमीटर चला है, तो 2 किलोमीटर चल दिए, उसके बाद वो फिर से दाई ओर मुड़ा, तो देखिए नीचे की ओर मुंह किए हैं तो आपका कह रहा है कि फिर से वह दाई ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर दाई ओर चला है, उसके बाद देखिए अंत में वह अपने दाई ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, फिर से दाई ओर मुड़ा है दोस्तों और कितना चला है 2 किलोमीटर, तो इतना सा दाई ओर मुड़ेगा, उसके बाद 2 किलोमीटर चल दिया। तो अब देखिए कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यानी कि अपने कह रहा है कि रमेश जो है अपने प्रारंभिक स्थान से, तो जहां से प्रारंभ किया था दोस्तों वहां से, यानी कि इस जगह से उसने प्रारंभ किया है, तो यहां से देखिए ई दिशा ऐसे कर लेंगे तो ई कौन दिशा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, पश्चिम दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर उत्तर लगा देते हैं जो कि सरासर गलत हो जाता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, पश्चिम, क्योंकि वहां से पूछा है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से, वहां से कहां से पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभ जहां से क्या है वहां से देखिए ना स्थान से, तो वहां से क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने किस तरीके से डराने का प्रयास करा, लेकिन डरेंगे नहीं, बस तरीका को समझेंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि सुरेश, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, सुरेश जो है अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि राजू। अच्छा, तो इस तरीके से कहा है दोस्तों कि सुरेश जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिल से भारी। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इस जगह पर सुरेश लिख लेते हैं, आप फोल फोल लिखेंगे, यही आप गलती कर देंगे, फोल फोल थोड़ा नहीं लिखते हैं, इसीलिए गलती होता है। यहाँ पर देखिए हम कैसे करेंगे, बस देखते चले, सुरेश जो है हम लोगों का किससे भारी है दोस्तों, कर अनिल से भारी, तो इस जगह पर अनिल लिख देते हैं, यहां पर क्या लिख देते हैं, अनिल लिख देते हैं, तो जो भारी है तो ऊपर हो जाएगा, कह रहा है सुरेश जो है हम लोगों का अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है, तो इसका अर्थ राजू क्या हो जाएगा दोस्तों, भारी हो जाएगा। तो यहां पर इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों, राजू कर लीजिए, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, राजू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, राजू कर लीजिए, देखते चलिए। ईद के अभी अभी कुछ नहीं किया, बस 3 ही तो लोग था, ईद के सुरेश जो है अनिल से भारी है, तो सुरेश अनिल से भारी है तो ऊपर जाबे करेगा, क्योंकि भारी है तो ऊपर रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि लेकिन उतना भारी नहीं है, लेकिन उतना भारी जितना कि राजू है, यानी राजू क्या है दोस्तों, इस सबसे भारी है, तो भारी हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि अनिल जो है जयेश से भारी है, यानी कि अनिल जो है दोस्तों हम लोगों का किससे भारी है, तो कह रहा है कि यहाँ पर बोला है कि अनिल जो है हम लोगों का जयेश से भारी है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, जयेश हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए इस जगह पर कर लेते हैं, अनिल जो है जयेश से भारी है, तो जयेश से भारी है तो भारी कर दिया, क्योंकि अनिल जो है जयेश से भारी। आगे देखिए आगे लाइन में कृष्णा जो है सुरेश से क्या है दोस्तों, भारी है लेकिन राजू से हल्का, तो कृष्णा जो है सुरेश से क्या है दोस्तों, भारी है, तो कृष्णा इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बस आपका एक लाइन आप आंसर क्या हो गया, कह रहा है कि कृष्णा जो है सुरेश से भारी है, तो कृष्णा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का, कृष्णा क्या हो जाएगा इस जगह पर हो जाएगा, कृष्णा सुरेश से भारी है तो ऊपर हो जाएगा, लेकिन राजू से हल्का, तो राजू से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो कह रहा है इनमें सबसे हल्का कौन है, तो सबसे नीचे में कौन है दोस्तों, जयेश है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ वहां पर लिखे हैं दोस्तों कि सुरेश जो अनिल से भारी है, तो देखिए सुरेश हम लोगों का ऊपर जाएगा, अनिल से भारी है तो इसीलिए ऊपर गया, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि राजू है, तो यहां पर राजू यानी कि भारी हो जाएगा इस सबसे, इसीलिए राजू ऊपर लिखा। और फोल फोल लिखते चलिए, बैठाते चलिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। फिर भी यदि आप नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके आप देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि जो भारी है उसको ऊपर लिखेंगे, जो हल्का है उसको नीचे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें, बेमेल का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना था। देखिए आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे कैसे, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, यानी कि इस तरीके से ई वाला क्या है ऊपर की ओर है, यहाँ भी देखिए इसमें क्या है दोस्तों ऊपर की ओर, यहाँ भी देखिए इसमें क्या है दोस्तों ऊपर की ओर, लेकिन इसमें हम लोगों का देखा जाए ऑप्शन नंबर 3 में क्या कर दिया है दोस्तों, नीचे की ओर कर दिया है। ई क्या क्या है, नीचे की ओर, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस देखते ही आप आंसर कर लेंगे, बस तरीका। बेमेल का मतलब ये होता है 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग आकृति है, तो कौन सा अलग आकृति है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्यों, क्योंकि देखिए सब आकृति हम लोगों का इसमें क्या है ऊपर की ओर क्या है, इसमें भी देखिए इसमें क्या क्या ऊपर की ओर, इसमें भी क्या क्या ऊपर की ओर, लेकिन यहां पर जैसे ही देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या है दोस्तों नीचे की ओर कर दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष से। तो ये देखिए यहां पर किस तरीके से लिखा है, कह रहा है कि कुछ दयालु प्राणी हम लोगों का क्या लिखा है देवदूत है, उसी प्रकार से सभी चिकित्सक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों देवदूत है। तो यहाँ पर देखिए कुछ हाँ, तो हम लोगों का कह रहा है कि सभी चिकित्सक क्या है देवदूत,
देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा कि कुछ दयालु प्राणी देवदूत है, और उसी प्रकार से करा कि सभी चिकित्सक जो है देवदूत है, तो यहाँ पर कैसे होगा दोस्तों? सभी चिकित्सक, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर लीजिए दोस्तों, हम लोगों का चिकित्सक है तो यहाँ पर लिख लीजिए सभी चिकित्सक, तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों सभी चिकित्सक जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, देवदूत। तो ऐसे करके सभी चिकित्सक को क्या कर लीजिए, देव और क्या दोस्तों, हम लोगों का दूत। तो यहाँ पर कर लीजिए सभी चिकित्सक हम लोगों का क्या हो जाएगा, देवदूत हो जाएगा। तो बस ऐसे डायग्राम को बना लीजिए दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा है कि कुछ दयालु प्राणी जो है हम लोगों का देवदूत है, यानी कि कुछ दयालु प्राणी, तो यहां पर कर लेते हैं दोस्तों इधर के कुछ, इस जगह पर लिख लेते हैं हम लोगों का क्या, यानी कि दयालु, तो यहां पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का कुछ दयालु, तो यहां पर कर लेते हैं कुछ दयालु प्राणी, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ दयालु प्राणी, तो यहाँ पर कर लेते हैं जैसे जैसे कहा दोस्तों वैसे वैसे कर लीजिए, कुछ दयालु प्राणी, तो इस जगह पर कर लेते हैं कुछ दयालु प्राणी जो है देवदूत, तो इसके अंदर में ऐसा हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। बस आप तरीका को समझिए, यहाँ पर ऐसे हो गया। अब देखिए जैसे जैसे कहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दीजिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ दयालु प्राणी जो है चिकित्सक, क्या कुछ दयालु प्राणी हम लोगों का चिकित्सक में गया है क्या? नहीं गया है, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सरासर गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी, ये दोनों में तो कोई रिलेशन, यानी कि चिकित्सक और दयालु प्राणी में कोई संबंध है क्या? नहीं है सर, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, यानी एक या दो कोई भी लागू नहीं हो रहा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, कुछ वाला डायग्राम आप जानते हैं कि इस तरीके से एक डायग्राम को, इसको बोलते हैं कुछ वाला, और सभी वाला डायग्राम एक डायग्राम के अंदर दूसरा डायग्राम जाएगा तो सभी वाला होता है। तो यहां पर कह रहा कि कुछ हम लोगों का, देखिए दयालु और चिकित्सक में कोई संबंध नहीं, कहां दयालु और कहां हम लोगों का चिकित्सक, तो दोनों में तो कुछ का संबंध है, वहां पर कह रहा कि कुछ दयालु चिकित्सक प्राणी है, बात गलत हो जाएगा। कह रहा कि कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी, ये भी बात गलत हो जाएगा। दोनों का दोनों, यानी कि एक या दो कोई भी लागू नहीं हो रहा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है फिगर वाले, तो यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों गोला, यहां पर भी गोला, यहां पर भी गोला, यहां पर क्वेश्चन मार्क, तो आप देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। इसमें हुआ क्या देखिए कि गोला की संख्या क्या हो रहा है दोस्तों, घटते जा रहा है। पहले हम लोगों का 3 गोला था, 2 गोला था, अब यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 गोला हो जाएगा। तो 1 गोला वाला इस तरीके से यहां पर देखा जाए कौन सा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये तो हो भी नहीं का, ये नहीं, एक को ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस गोला की संख्या में कमी होते जा रहा है। देखिए पहले 3 गोला था, फिर 2 गोला, फिर यहां पर देखिए 3 गोला, 3 था, तो उसके बाद 2 था, उसके बाद इस प्रकार से गोला की संख्या में मतलब छोटा छोटा होते गया था। अगला गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहां पर इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर देखिए 4 गोला है, यानी कि ऊपर में 1 गोला आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अच्छे से देखिए वहाँ पर 1 गोला है, 4 गोला, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर 1 गोला, ऊपर में 3 गोला, उसी प्रकार से यहाँ पर 2 गोला है। आप अच्छे से देखें तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, फिर कहेंगे कि यहाँ पर तो 3 गोला दिख रहा था, 2 गोला, 2 गोला, इसीलिए आपको दिखा दिए कि ऊपर में 1 गोला, यहाँ पर भूलिए नहीं, यहाँ भी 1 गोला, ऊपर में भूलिए नहीं, उसी प्रकार से यहाँ पर 2 गोला, तो 1 गोला वाला ऐसे आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके समान है, 1 अलग है, तो कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। यहां पर देखिए अगर देखा जाए तो ऐसे प्रश्न आप देखते ही कर लेते क्या हुआ है कि यहाँ पर देखिए क्या रेखा है दोस्तों, यहाँ पर 2 रेखा, इसमें भी क्या रेखा, 2 रेखा, इसमें भी कितना है, मतलब 2 को दिया है, लेकिन इसमें क्या को दे दिया है दोस्तों, 3 को दे दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए सब में हम लोगों का क्या लिखा है, यानी कि 2 को दिया है, यानी 2 को डंडा इधर से इधर से, उसी प्रकार से इधर से इधर से, इसमें भी इधर से, लेकिन इसमें 3 को दे दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही। विषम का मतलब ये होता है 4 में से 3 किसी तरीके समान है, 1 अलग है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्यों, क्योंकि उसमें 3 को हम लोगों का लाइन आ गया, बाकी सब में देखिए 2-2 लाइन ही था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कागज की आकृतियों के अनुसार मोड़ा गया, काटा गया, खोलने पर कैसा दिखाई देगा, यानी कि एक कागज को लिया है दोस्तों, उसको मोड़ा है, इस प्रकार से कर दिया है, तो देखिए यहाँ पर जैसे इसको, यानी कि हम लोगों का क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पर रखा है, अब इसको जब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो देखिए जैसे ही खोलेंगे दोस्तों हम लोगों, यहाँ पर एकदम जूम करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल कोई परेशानी ना और कोई आपत्ति ना हो कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। देखिए जैसे ही खोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे उसने आकृति को लिखा है, तो यहाँ पर जैसे ही खोलेंगे ना, तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा,
सबसे पहले देखिए ऊपर में इस तरीके का एक इस जगह पर लिखा है, यानी कि यहाँ पर उसने क्या किया कि इस जगह पर एक भाग हम लोगों का बना दिया है और यहाँ पर एक ऐसे कर दिया है और इस तरीके से कर दिया और एक हम लोगों का क्या दोस्तों इधर, तो इसको खोलेंगे तो हम लोगों का इधर से हो जाएगा, इसी प्रकार से इधर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब ई ऊपर में जाएगा दोस्तों तो ऊपर में भी हम लोगों का एक घर तो ई बना लिया, तो ऊपर में जैसे जाएगा तो यहाँ भी एगो ऐसे ही करके इस तरीके से बनाएगा दोस्तों, और यहाँ भी हम लोगों का यानी कि यहाँ पर जैसे एगो बनाएगा तो एगो इधर, तो दो गो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बन जाएगा, दो गो इधर से बन जाएगा, ऊपर में छोटा जैसा एगो इधर हो जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ भी सर हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा, दो गो इधर बन जाएगा, आप समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और इधर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, और इस जगह पर और एगो इस जगह पर और यहाँ पर इधर से एगो एगो यहाँ बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप कागज को मोड़िए और खोलिए, देखिए आपको बिल्कुल समझ में इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। आप अच्छे से देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि यहां पर जैसे किया तो एक फिगर ऐसे बनेगा और एक इधर से बनेगा, तो ये तो पूरा पूरा बन गया, दो ऊपर में हल्का हल्का ऐसे करके और ऐसे करके इधर से एक बन जाएगा दोस्तों, इधर से एक बन जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते इसमें तो होबे नहीं करेगी, ऑप्शन नंबर फोर में इधर तो कोई ऐसे कोना पे कटा हुआ ऐबे नहीं करेगा, तो फोर होबे नहीं करेगा, बाकी क्या दुए को बनेगा नहीं सर, हम लोगों का खोलेंगे तो इस तरीके से बनेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।